कहाँ कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कैसा लगता है? ऋतु मार्तन ढमढेरे। क्या रे? ढमढेरे ऐसा लगता है ड्रम में बंदर कूद रहे। तुम लोग मुझसे नहीं इससे माफी मांग रहे थे? तू मेरा इस शहर के सामने कचरा करना चाहता है? कचरा तो अब मैं तेरा करूंगा। वो तुझे तोड़ देगा। नाम का है तेरा बाबू? बाबू भैया मेरा नाम है, तेरा नाम कैसे रखता है? मेरा नाम है। और तू सुन, मैं इधर का मालिक हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरा भी कुछ बोलने का हक बनता है। राम श्याम। अरे तू कोई भी आम हो, तू अपना सामान उठा अंदर जा, जा। अगर तुम लोग मुझसे नहीं इससे माफी मांग रहे थे? तू मेरा इस शहर के सामने कचरा करना चाहता है? कचरा तो मैं तेरा करूंगा। वो तुझे तोड़ देगा। सुनाई क्यों नहीं दे रहा है भाई? थोड़ा आगे जाऊं? हाँ, उसके हाथ में माइक दे दे जाके। सीधा खड़ा हो जा। मतलब नहीं जाऊं? अरे विश्राम, सावधान, दाये मुड़। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जय वेद प्रसाद। बस ठीक ठीक, बाकी काम तो मैं यूं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। अब वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बैग वहीं पकड़ा दूंगा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ जहाँ रखता हूँ वहीं बैठ जाती, चल ठीक है। अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? सीधा करो। हाँ थोड़ा और। अरे करो ना, अब इतना दांत क्यों फाड़ रहे हो? कम दिखाओ। हाँ अब थोड़ा शरीर घुमाओ। अरे मुंडी नहीं सिर्फ शरीर यार, जैसे शूटिंग सेटिंग वाले फोटो में होता है। अब ये पांव क्यों हिला रहे हो? नौटंकी करा रहे क्या हमसे? अबे बहुत लोग का ब्रेकअप होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के रोए। अबे दूसरी मिल जाएगी यार, इतना क्या रो रहा है? साले तेरी तो गर्लफ्रेंड भी थी, मुझसे तो आज तो कोई पटी भी नहीं। बहुत तकलीफ होती है जब इन लड़कियों से इनका मेकअप किट छीन लिया जाता है, तो वो कैसे करती है? ये घर का होने वाला मालिक मैं हूँ, तू निकल। ए मालिक तो मैं हूँ, समझा? चल जा निकल। ए तेरी बहन नताशा ने मेरे को बुलाया, समझे? तू निकल। हाँ राखी बांध ने बुलाया होगा, वो हर दूसरे आदमी को अपना भाई बनाती है। मैं तो पहला हूँ, दूसरा खराब हो जाएगा। क्या पाइनएप्पल? ये तो केक है। हाँ लेकिन पाइनएप्पल का है ना। तूने बोले मेरे केक है, ये पाइनएप्पल कौन है? कौन है पाइनएप्पल? अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना? 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360। हिस्सा बराबर याद रखते हो? 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे। हाँ। और ये 6 छोड़ के, ये 4 छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में केस करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। सुहेल आज से ना अपन इंग्लिश में बात करेंगे, दोस्तों में दबदबा बनेगा अपना। ठीक है। Who are you, सुहेल? हाओ हाओ। अबे फाइन बोलना तुझे। पागल तो ना है तू? अरे जा सारे तुम। ए बाबू ये पुलिस स्टेशन कितना दूर है? बहुत दूर है भाई, इधर से 25 दिसंबर बस पकड़ के 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर उधर से टैक्सी लेके आपको 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर चल के जाने का ब्रिज क्रॉस करने का, उसके बाद में रिक्शे वाले तेरे को बताएगा। बोल एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल?
तो मुझे भी डबल करो। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 70 लाख तो नहीं है मेरे पास, 50 लाख चाहिए, उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती। मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? ITUS? इसकी टोपी उसके सर। गुड 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 जी, एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट, ITUS।